खातेगांव में भारतीय किसान संघ कन्नौज के बैनर तले आयोजित विशाल आंदोलन कन्नौज में सातवें दिन भी जारी रहा, जिसमें कन्नौज तहसील के ग्राम नांदौन और डाबे के किसानों ने आंदोलन की कमान संभाली। किसानों का कहना है कि 2 जनवरी से विशाल धरना आंदोलन जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला देवास, कन्नौज नगर के व्यापारी संगठन और सभी राजनीतिक दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब तक सरकार की ओर से कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि और अधिकारी किसानों के बीच नहीं पहुंचे हैं, जिससे नाराज किसानों ने भैंस के आगे बिन बजाकर विरोध प्रकट किया। किसानों ने खेत से 2 भैंस लाए और उसके सामने बिन बजाकर मांग पत्र सौंपा। आंदोलन में उपस्थित किसानों को समाजसेवी राजू तिवारी कन्नौज की ओर से भोजन कराया गया। इस दौरान पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रेवाराम सारण, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी, सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी और कांग्रेस प्रदेश महासचिव अक्रम खान सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ द्वारा लगातार 7 दिन से किसानों की प्रमुख मांग पानी को लेकर धरना आंदोलन चल रहा है। इसमें 7 दिन हो गए हैं, हमने 3-4 रोज बाद एक हवन यज्ञ भी रखा था, सद्बुद्धि यज्ञ, उसमें भी सब किसानों का भरपूर सहयोग मिला। दूसरे दिन हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा। आज हमको 7 दिन हो गए हैं, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में अभी तक हमारी खबर लेने नहीं आया। इसलिए हमने मध्य प्रदेश शासन को हमारी बात भैंस समझ के भैंस के सामने हमने बीन बजाई है और हम भैंस के आगे हमने मांग पत्र भी दिया है। आगे इस प्रकार क्या योजना आगे की ओर? आगे की हम योजना अगर सरकार सही तरीके से बात मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो हम सब किसानों ने मिलकर तय किया कि हम ग्राम बंद करेंगे, सभी राजनेताओं का गांव में प्रवेश बंद करेंगे। अभी तक आपको लगा कि प्रशासन के माथे पे जुड़ेंगे कि नहीं? अभी तक प्रशासन का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी राजनेता वरिष्ठ हमसे मिलने नहीं आया, नहीं हमको कोई संतोषजनक जवाब दिया है। खातेगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।